क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन लाल है जी। कहाँ से आना हुआ? मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ हमारे एक दोस्त नासिक में रहते हैं, उनको कैंसर हो गया था जी। और मतलब लास्ट स्टेज उनकी आ गई थी, मतलब यहाँ तक कि उनको कफन उड़ा दिया गया था। डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कुछ इलाज नहीं है। अच्छा। तो उनके किसी दोस्त ने उनको बताया कि यहाँ पे चेंदवा में जाओ, वहाँ पे हैं, वहाँ पे इलाज हो जाएगा। तो वो लोग भाग के लेके आए उनको, वो ठीक हो गया। फिर उसको पता चला कि मेरे लड़के को भी तकलीफ है। क्या तकलीफ है लड़के को? हमारे लड़के को किडनी फेलियर डॉक्टर ने बताया, मतलब जितने डॉक्टर को अस्पताल में दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, भूत प्रेतों को दिखाया, जो झाड़ने वाले हैं उनको दिखाया, आयुर्वेदिक दवा किया, होम्योपैथिक दवा किया, उसके अलावा राजस्थान से कुछ दवाएं भीलवाड़ा से मंगवाया था हम लोगों ने दवा, लेकिन उन सब दवाओं से बहुत परेशानी बढ़ गई थी हम लोगों को जी। फिर जब उसको पता चला नासिक के वाले को, जिसको कैंसर का पेशेंट था, यहाँ ठीक हो गया था जी, तो उसने हम लोगों को बताया कि भाई आप कुछ मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत जो यहाँ पर जो है सेंधवा चले जाओ, वहाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा। हम लोग के पास साधन नहीं था। सेंधवा ATS का पता आपको नासिक वाले ने बताया जी, नासिक वाले ATS का पता बताया कि आप वहाँ जाइए जी, और आपको कुछ टाइम वेस्ट मत करो, किसी डॉक्टर को भी मत दिखाओ, सीधे वहाँ पहुँच जाओ। तो साधन तो कुछ नहीं था। फिर हम लोग भाग दौड़ किए, तो 3 टिकट हम लोगों को मिला इमरजेंसी में। तो वहाँ से हम लोग निकले, निकलने के बाद रास्ते के सफर में कोई अड़चन तो नहीं आई। इंदौर में हमारी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके टेंशन में मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद मैं सेंधवा, इंदौर से सेंधवा आया। सेंधवा मतलब ये ATS के गेट तक, गेट के पहले तक तो मैं बहुत परेशान था, उलझन थी, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे का हम लोगों का सफ़र हो गया था। आधा सफ़र हम लोगों ने ट्रेन से गुजारा, आधा सफ़र हम लोगों ने बस से गुजारा। यहाँ आने के बाद नंबर लगाने के लिए कहा गया। तो कैसे नंबर लगा यहाँ आने के बाद? यहाँ जहांगीर भाई का नाम लिया गया कि वो कवरेज भाई के छोटे भाई हैं, वही नंबर देते हैं जी। हालांकि मैं जब ट्रेन में चढ़ा तो वहाँ से हमने ये कर दिया था, SMS कर दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है जी, और मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। तो जहांगीर भाई ने फिर हमको तुरंत रिप्लाई भी दिया जी व्हाट्सएप में कि आप मंगलवार को, सोमवार को मैं चढ़ा हूँ, मंगलवार को बोले तुम आ जाओ। तो ठीक है, मंगलवार करने तो सोमवार को मैं आ गया था यहाँ पे जी। करीब 2 बजे यहाँ पर मैं जब पहुँचा, पहुँचने के बाद जब लाइन में लगा मैं, तो मैं अंदर जैसे गया नंबर लगाने के लिए, तो मेरे आँखों से आंसू आ गए। वो पूछने लगे क्या हो गया, तो मैं गला इतना भर गया था, परेशान था मैं, बताया कि बच्चे की हमारी दोनों किडनी फेलियर हो गई है। तो उन्होंने तुरंत जो है पर्चा में भर के दिया कि जाओ वहाँ पे नंबर लगा लो। ठीक है, नंबर लगाने के लिए रवि है, उनको हमने दे दिया जी। देने के बाद अभी तक कि जितनी जल्दी नंबर लग जाए, उलझन होती है, जितनी जल्दी से जल्दी नंबर लग जाए हमको जी, उतना हम अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तो यहाँ पर बैठने के बाद बच्चे का दोनों पैर हमारा जैसे कि बैलून फूल जाता है, फूल गया था। लेकिन धीमे 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 2-3 बार में उलझन में आया कि भाई जल्दी हमारा नंबर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब यहाँ पर आए, यहाँ बैठे, तो बैठने के बाद मतलब जो सुकून, जो सारे जहाँ की जो परेशानियाँ थी वो हमारे दिमाग से जैसे निकल गई, और सारे जहाँ का सुकून हमको हमारे बच्चों को, दोनों को एहसास होने लगा कि ठीक है। अब ऐसा मन करने लगा कि भाई जल्दी नंबर न लगे तो अच्छा है। कहने का मतलब यही हम रुके रहे इसी वातावरण में, जो ये जो सुकून का जो जगह है जी, इतना सुकून तो ना अपने घर में हमको मिला, ना कहीं बाहर मिला। और लोग घर में भी जैसे रहते हैं तो घंटे 2 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं कुछ सामान लाने के लिए, फिर अंदर आते हैं, फिर बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद गेट के बाहर झांकने का मन ही मेरा नहीं हुआ, भाई नंबर न भी लगे चलो भाई ठीक है, जितनी देरी होगी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमको भी मानसिक बहुत शांति मिली, बच्चे को जो उलझन पर है। बच्चा आपका, ये बच्चा है? हाँ, मनोज कुमार है। क्या नाम है इनका? मनोज कुमार। मनोज कुमार कैसा लग रहा है अभी? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। दिखा के आ गए जी? जी क्या बोले?
बाबा ने कहा कि देखो ये सब कुछ नहीं है तुम्हारे बाबा मन, भाईजान है वो। हाँ भाईजान ने कहा कि मन का बहम है और तुम्हारे पास तुम जो क्रेटान जो था क्रेटान का जो पैरामीटर था जी 6 है 5.5 और 6 के आसपास है। तो उन्होंने कहा 20-20, 25-25 क्रेटान रहता है मतलब किडनी पूरी डैमेज हो जाती है, वो क्लियर हो गया तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तुम खाली मन का वहम निकाल दो। अच्छा। और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है और टेंशन मतलब तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद हमको जो एक ऐसा मतलब खुद की अनुभूत हुई कि यहाँ पर दवा की जरूरत ही नहीं हमको लग रही है, ऐसा लग रहा है कि दवा ना मिलेगा तब भी हम ठीक हो जाएंगे। ये अपने आप में मतलब किसी के कहने पे या किसी के उस पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद का मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाँ ये जो आपने महसूस किया यहाँ आपकी अनुभूति बता रहे हैं। हाँ जो यहाँ के वातावरण में जो आज जैसे आपने कहा कि यहाँ के वातावरण में पॉजिटिव वेव्स पूरे वातावरण में घूम रहा है, तो उससे हमारे मन का जो बहुत सारा वहम था वो तो निकल ही गया है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम बीमार हैं ऐसा हम अब सोच भी नहीं रहे हैं। हालांकि हमारे बच्चे की बीमारी आप समझ लीजिए 3 महीने से कंटिन्यू है। बराबर है। और हम लोग कोई भी डॉक्टर कोई भी हकीम झाड़ने फूकने वाले जो भी है देखने वाले किसी ने अस्पताल का अब कौन कौन से हॉस्पिटल में हमने नाजरत अस्पताल इलाहाबाद में बहुत बड़ा अस्पताल है वहाँ पे वहाँ हमने देखा है वहाँ खाली कुछ नहीं खाली दवा देते जा रहे हैं ये भी नहीं बता रहे हैं किस चीज़ की आपको हम बीमारी पे दे रहे हैं। लूटने का काम है पैसा लूटने का काम है बाकी कुछ नहीं है। अब मरता क्या ना करता आदमी क्या सोचता है भाई अब डॉक्टर जो कह रहा है हम मूक दर्शक की तरह से जो है हम सुनते हैं और जेब से नहीं है पैसा तो कर्जा लेते हैं। चलिए भाई साहब आपका धन्यवाद। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम निवेदन करेंगे कि अगर हमारा ये वीडियो अगर पब्लिश होता है तो जो भी हमारा वीडियो देखें तो ये अस्पताल नहीं है अस्पताल समझ के यहाँ ना आए, यहाँ एक कुछ एक जन्नत हम कह सकते हैं इसको उसकी भाषा में कि एक जन्नत है जहाँ पर जो सुकून जो दुनिया में कहते हैं कि भाई जन्नत में जाना है तो सुकून की जगह है, सुकून मिल गया तो बीमारी कहाँ रहेगी। जी 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 बीमारी नहीं रहेगी। जरूर जरूर। और यहाँ पे जो इलाज होता है मैं थोड़ा सा दो शब्द में और कहना चाहता हूँ कि बीमारी का जो भाईजान ने जो जड़ यहाँ पे जड़ यहाँ खोजा है कि जो सेल होता है ना बॉडी के अंदर बॉडी बना हुआ है चमड़ों से बना है चमड़े से भी सूक्ष्म जो है सेल होता है जी सेल के अंदर जो पानी रहता है और ऑक्सीजन दो चीज उसमें रहता है प्रोटोप्लाज्मा और ऑक्सीजन अगर वो पानी सूख गया तो सेल सूख गया सेल सुकड़ गया तो बीमारी वहाँ से डेवलप होती है। तो यहाँ पर हमारा ऐसा अनुभव है कि जो सेल सुकड़ गया हुआ है मतलब जो डेड हो गया है उस डेड हुए सेल को रीएक्टिवेट कर दिया सेल एक्टिवेट हो गया तो मांसपेशियाँ एक्टिवेट हो गई मांसपेशियाँ एक्टिवेट हो गई चाहे हड्डी का हो चाहे मांस का हो वो सब ऑटोमेटिक धीमे धीमे डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर जो है इलाज का जो मेन जो हमारे हिसाब से हम देखें कि जो बॉडी के अंदर आखिरी भाग है जी छोटा सा जो पार्ट है जी जो हम उसको नैनो सिस्टम कहते हैं जी उसके आगे इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन सबसे छोटा वाला भाग जी मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पेड़ की जो जड़ है जी जड़ का जो आखिरी वाला भाग है एकदम लास्ट जी अगर वो एक्टिवेट हो गया जी तो वहाँ से जड़ से होते होते हुए पेड़ तो ऑटोमेटिक हरा भरा हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा वही हमारे शरीर का यहाँ पर जो इलाज होता है। धन्यवाद आपका अनुभव बताने का। ये यहाँ पर जो इलाज हो रहा है ना तो वही इसी सिस्टम की जो आखिरी सेल का आखिरी भाग है जो डेड हो चुका है जी। उसको यहाँ रीएक्टिवेट कर दिया जाता है वो एक्टिवेट हो गया तो शरीर का जो पेड़ रूपी जो शरीर है वो ऑटोमेटिक हरा भरा हो जाएगा ताज़ा हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा यही हमने यहाँ पे अनुभव किया है। इसके लिए हम चलिए भाईजान का और यहाँ का जो स्टाफ है जी अब हो सकता है भाईजान के रिलेटिव हो या जो डिवोटेड लोग हैं जी तो उनके मतलब व्यवहार से हम लोग बहुत खुश हैं खुश इसलिए हैं कि भाई अब परेशान आदमी रहता है तो अब इतने आदमियों को डेली ये लोग डील करते हैं तो चिड़चिड़ा हो जाना चाहिए भगा देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं वो समझते हैं कि भाई परेशान लोग आए हैं इनके साथ हमारी सहानुभूति रहेगी
जी तो उनकी बीमारी आधी तो सहानुभूति से चली जाती है और बाकी जो बचा बीमारी हमारे भाईजान दूर कर देते हैं। हम चाहेंगे कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, देखने के बाद जो है यहाँ पर आए और जो दुनिया भर के डॉक्टर जो लूट रहे हैं जी, कम से कम वो अपने को लूटने से बचा लें, बस हमारा यही निवेदन है। चलिए धन्यवाद साहब आपका, मनोज भैया जो आपको बताया है वैसा आप मार्गदर्शन किया है भाईजान ने आपके लिए, वो आप फॉलोअप करेंगे और जल्दी से स्वस्थ होकर फिर से यहाँ आएंगे, ऐसी मेरी कामना है जी। धन्यवाद।